दोस्तों सीआईडी के सबसे जांबाज इंस्पेक्टर दया को हो चुका है कोरोना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या सच में इंस्पेक्टर दया को कोरोना हो चुका है? कैसे हैं इंस्पेक्टर दया, कैसी है उनकी तबीयत, क्या इंस्पेक्टर दया कोरोना से ठीक हो पाएंगे, सब कुछ दोस्तों आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहोगा दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है नीचे उसे दबा के ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों जहां तक बात करें इंस्पेक्टर दया के बारे में तो ये सीआईडी के सबसे बड़े स्टार्स हैं। जी हां दोस्तों, इंस्पेक्टर दया की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में जहां भी लोग सीआईडी को देखना पसंद करते हैं वहां पे इंस्पेक्टर दया का जिक्र जरूर होता है। तो दोस्तों सीआईडी का जो सीजन वन था वो अक्टूबर 2018 में बंद हो गया था। इसके बाद दोस्तों इस बात को अभी करीब 2 साल पूरे होने को आए हैं और लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीआईडी का सीजन 2 कब तक आएगा। तो दोस्तों सीआईडी का सीजन 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, बस आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। कुछ दिन के बाद सीआईडी का सीजन 2 आपके घर पर दस्तक देने वाला है, ये कंफर्म न्यूज है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें इंस्पेक्टर दया को कोरोना के बारे में तो दोस्तों ये जो एपिसोड है ये आपको सीआईडी के सीजन 2 में देखने को मिलेगा। असली में इंस्पेक्टर दया को कोरोना नहीं हुआ है लेकिन सीआईडी की टीम कोरोना के ऊपर एक एपिसोड बना रहे हैं जिसमें इंस्पेक्टर दया को कोरोना होने वाला है और वो कोरोना होने के बाद कैसे खुद को आइसोलेशन करते हैं, कैसे क्वारंटीन में रहता है, क्या क्या मेडिसिन का यूज करते हैं, ये सब आपको दिखाई देगा इस एपिसोड में। तो काफी लाभदायक होगा ये एपिसोड उन लोगों के लिए जो कि कोरोना के बारे में थोड़ा सा नहीं जानते हैं या फिर कोरोना के बारे में अब तक कुछ नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए ये एपिसोड काफी लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग इस कोरोना स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।